दिल्ली में पहली बार हुआ इतना महंगा चुनाव प्रचार। 7 फरवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों के चुनाव प्रचार पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। ये खर्च प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों पर किया गया। एसओचएम के मुताबिक दिसंबर 2013 विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार चुनावों पर खर्च 30 से 40% बढ़ा है। इस बार के चुनावों में 60% से ज्यादा खर्च रैलियों और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों पर हुआ। इन विज्ञापनों से सबसे ज्यादा फायदा टेलीविजन चैनलों, अखबारों, प्रिंटर्स, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटों, परिवहन प्रदाताओं, केटर्स और विमानन कंपनियों को हो रहा है। इसके अलावा विज्ञापन कंपनियां बड़े स्तर पर सामूहिक मेल, विपक्षी पार्टी पर शोध और साइन बोर्ड और पर्चों की ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने के जिम्मेदार हैं। राजनीतिक पार्टियां द्वारा डिजिटल मीडिया पर भारी खर्च करने की वजह से गूगल, ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियों को इस साल अपनी आमदनी बढ़ने की भी उम्मीद है। ज्यादातर पार्टियां इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली युवा मतदाता पीढ़ी को आकर्षित कर रही है। मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए ऑनलाइन माध्यम वास्तव में सशक्त हो गया है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।